फ्रेंड, दिस इज संजय एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू माई चैनल लेट्स गो विद संजय। आज मैं बात करूँगा आप लोगों से मालवा क्षेत्र की कुछ महिलाओं के बारे में। यू नो देर आर सो मैनी वुमेन इन आर मालवा हु आर वेरी इंटेलिजेंट। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है जो जनरली लोगों के सामने आ नहीं पाती है। तो मेरे इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि उन सारे टैलेंट्स को रिवील करना जो महिलाओं में है, किस तरह से वो लोग यूज़ करते हैं अपने टैलेंट को। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो किस तरह से अपना टैलेंट यूज़ करती है। तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, द काइंड ऑफ सीन्स द वुमेन प्रिपेयर एंड हाउ दे सर्कुलेट विद द क्वालिटी दे हैव। तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो महिलाएं होती है जनरली यू नो दे आर इंस्टेंट कॉमेंटेटर। उनकी एक बहुत अच्छी भूमिका ये होती है कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई सा जलसा प्रोग्राम या कुछ भी होता है तो वो लोग इंस्टेंट अपने आप में कॉमिक रूप में, या कह लीजिए कि उनका एक स्टाइल होता है जिसमें वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि गाँव में एक ग्रुप होता है महिलाओं का जिसमें एक लीड महिला होती है और बाकी बहुत सारे उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। ये सारे लोगों क्या होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है कहीं पर भी, कोई मन्नत का प्रोग्राम है, कुछ शादी है या कुछ सगाई के रस्म है या कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो इन महिलाओं को विशेष तौर पर बुलाया जाता है ताकि जो सीन या जो भी दृश्य वहाँ पर होने वाला है उसकी ये गाने के फॉर्म में कमेंट्री कर पाए। है ना, आप लोग देखिए कैसे ये सब चीज़ होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज़ करिए कि आपके घर में एक शादी है और यू नो शादी में एक रस्म होती है, दैट इज़ मामेरा। अब मामेरा में क्या होता है कि जो दूल्हा है या दूल्हे के या जिसकी भी शादी है वो सब लोग बैठते हैं और बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं और वो लोग बहुत सारे कपड़े लेकर आते हैं और कपड़ों को उनको दिया जाता है। तो जब ये लोग कपड़े दे रहे होते हैं, मेहमान जब कपड़े दे रहे होते हैं, तो ये जो ग्रुप होता है महिलाओं का जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इन लोगों को बताना होता है बाय देयर सिंगिंग कि क्या हो रहा है। तो देखिए कैसे होता है, है ना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। एक सबसे पहले इनका स्टाइल होता है कि यू नो इनको जो हाथ है उसको इस तरह से रखना होता है ताकि दे कैन पोज कि ये उस फॉर्म में आ चुके हैं। और सीन ये होता है कि आप मानिए कि कोई मुकेश जी हैं जो किसी फला गांव से आए हैं, वो कपड़े दे रहे हैं जो दूल्हा है उसको, और ये महिलाओं ने सीन देखा और ये लोग चालू हो गए। अब कैसे ये लोग शुरू करते हैं, है ना, मुकेश जी जो कि कपड़े दे रहे हैं, तो इनका सॉन्ग इस तरह से होता है, वी तो पेरे और मुकेश राय पेरा वे लता, वी तो पेरे और मुकेश राय पेरा वे लता, की तो टुआल टोपी भी लाया और नायल पे रख्या सो सो का पता, की तो झूल तो बिलाया और दोरा घड़ी का कोई नहीं पता। ठीक है, तो ये कपड़े की रस्म होती है जहाँ पर इन लोग को जो कपड़े हो रहे हैं कपड़े पहनाने की रस्म है, तो इन लोगों ने वहाँ पे गाना गा दिया। अब उसी समय इनको दिखाई देता है कि कोई एक बहुत बड़ी महिला है, बहुत बड़ी से मतलब है कि कोई बुजुर्ग महिला है जो सबको आशीर्वाद वहाँ पे दे रही है। तो जब वो आशीर्वाद दे रही होती है तो इन लोगों का ध्यान उस पर जाता है और इनको सूचित किया जाता है कि भाई ये जो महिला है ये किसी फला गाँव से आई है और इनको भी अब आपको डील करना है, इनको बताना है। तो महिलाएँ उस महिला को, उस बुज़ुर्ग महिला को देखकर जो कि शायद किसी रिलेटिव की बुआ जी हैं, ये लोग फिर से गाना गाते हैं। किस तरह से गाते हैं, वैसे ही इनका हाथ रखा होता है और फिर गाना शुरू होता है, ई तो जिज बई है सन्नोड़ की और माथा हाथ फेरे सबके, कि यो तो लाड़ो भी शरमायो और धीरे से रख्या पैसा जेब में। ठीक है, अब इन महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा है और अचानक अपने आप में एक छोटा सा बच्चा आता है जो उस ग्रुप में जाता है महिलाओं के और धीरे से एक लेडी को जाके बोलता है कि मम्मी जिमनो चल लो ही क्यों। तो अब महिला को पता चल चुका है कि जिमना चालू हो चुका है, अब उसको सारी महिलाओं को इन्फॉर्म करना है बाय हर सिंगिंग। तो अब देखिए वो कैसे इन्फॉर्म करती है बाकी महिलाओं को कि जो जिमना है वो चालू हो गया है, है ना, वो भी अपने आप में एक सॉन्ग में होता है। तो किस तरह से होता है, आई विल टेल यू। यो तो जिमनो चलू ही गो कि सब ना पहुंचो सराय में, किन्ने तो गुलाब जामु भी बनाया
और राय तो भी मन देखियो कड़ई में। अब सबको इन्फॉर्म इन्होंने कर दिया है कि भाई जिमना चालू हो गया है, ये सामान बना है, तो सब लोग वहाँ पहुँचे। अब सब लोग पहुँच चुके हैं, साहब पंगत पे सब लोग बैठ गए हैं, जिमना चालू हो चुका है। जो लड़के हैं गांव के वो सब सामान उनको मेले जा रहे हैं, मतलब परोसते जा रहे हैं। अब एक महिला जगार में अबदा है, अब उसको कुछ समस्या है, तो वो गाने के फॉर्म में अपनी समस्या बता रही है। किस तरह बताती है? वो फिर से चालू होता है उनका और वो बोलती है, यो तो मेले ठंडी पूरी और चिल्लावे की गरम गरम, ओ बेना उना गुलाब जांबू वाला के हेला पाड़ दो, नितोर ही जाएगा भी तो खत्म। तो इनको गुलाब जामुन मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा ये लोग जिम लिए हैं और थोड़े बहुत और सॉन्ग्स वगैरह गा के इन लोग घर की तरफ रवानगी। अब पूरी शादी हो गई है, सब लोग चले गए हैं, रिश्तेदार अपने घर चले गए हैं। अब तीन चार महिलाएं जो कुछ सगी रिलेटिव्स हैं वो घर पे बचे हुए हैं, तो इनमें आपस में चर्चा होती है कि चलो यार खेत पर चलते हैं, अपना जो भाई है अपना जो वीर है उसने बहुत सारे कुछ सामान लगाया है खेत पर, गेहूँ बोए हैं, चने बोए हैं या बल्लड़ बोई है, तो चलो देख कर आते हैं। सब लोग सारी महिलाएँ चले जाती हैं अपने खेत पर, मतलब अपने भाई के खेत पर। अब वहाँ जाने के बाद कुछ ये लोग देखते हैं खेत पे कि इनको मज़ा नहीं आता है, लगता है कि जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं हैं, तो फिर से ये लोग शुरू हो जाते हैं वहाँ पर एक गाना है ना। अब क्या गाना गाते हैं? चने का खेत है, ये लोग सामने खड़े हैं, लीड महिला ने अपना गाना शुरू किया है और गाना कुछ इस अंदाज में, यो तो बीर ओ मेंगा मोल को एने बोयो चणो की तो बस्ते मधरई गया, इन्नी ठंड में लियो बाई छो घणो। और इस तरह से जो इनका पूरा कार्यक्रम हो जाता है और शादी भी ख़त्म हो जाती है और काफ़ी अच्छी तरह से ये लोग डील करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद था वो यही था कि आप लोग अपने घर में नेक्स्ट कभी भी ऐसी शादी होती है और ये जो महिलाओं का ग्रुप होता है या कभी भी इनका परफॉर्मेंस होता है तो आप लोग इनको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, काफ़ी अच्छा होता है।